Yo, what's up, gamers? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome to another episode of The Walking Dead. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. You got it, boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. तो गाइस, लास्ट वाला एपिसोड के अगर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत सीन बताऊं तो लास्ट वाला एपिसोड के अंदर हम लोग सेंट जॉन्स डेरी के अंदर जब आए थे तो हम लोगों ने इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना शुरू कर दी थी, बिकॉज हम लोग जो चाहते हैं ना यार कि ये जो फैमिली है ये हमसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाए एंड ये हमें अपने पास रहने की जगह दे दे, बिकॉज अभी आप लोग को पता है ना हम लोग एक मोटेल के अंदर स्टे किए हुए हैं एंड वहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज जो जॉम्बी का वायरस है ना गाइस इस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया में आप लोग समझ लें स्प्रेड होता जा रहा है एंड जब वो अपने पीक पॉइंट पे आएगा ना तो हमारा मोटेल भी कहीं पर नजर नहीं आने वाला है, तो हम लोग जो चाहते थे ना एक सिक्योर प्लेस तो वो हमें मिली ये सेंट जॉन्स डेरी। हम लोग जब यहाँ पे आए ना तो हम लोगों ने देखा यार ये वाली जो जगह है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी जॉम्बी आने का कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आ पाए। तो उसके बाद क्या किया ना हम लोगों ने इनसे थोड़ी बहुत ट्रेड वगैरह की, हमारे पास गैसोलीन काफ़ी ज़्यादा था तो हम लोगों ने इन्हें गैसोलीन दिया, उसके बाद इन्होंने हमें थोड़ा बहुत फूड दिया, उसके बाद हमारे जो पुराने जो मतलब पूरी आप लोग समझ लो हमारा जो ट्राइब है या पूरी हमारी गैंग या आप लोग समझ लो जितने भी लोग हैं ना अपने ग्रुप में वो सारे अब इस वक्त सेंट जॉन्स डेरी पे आ रहे हैं, बिकॉज इन लोगों ने अभी हमें रात के खाने पे इनवाइट भी किया हुआ है। तो अभी क्या सीन है ना गाइस, मैं और मार्क हम दोनों का प्लान जो है ना वो ये है कि हम लोग इन डेरी के लोगों ने आए तो अपने आप से थोड़ा बहुत इंप्रेस कर लें। इंप्रेस करने का फ़ायदा ये होगा ना गाइस कि जब ये लोग हमसे इंप्रेस होंगे ना तो हो सकता है हमें अपने पास रहने की जगह दे दें और इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, बिकॉज हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमें कोई सेफ जगह मिल जाए रहने के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसकी फैमिली को क्या कहते हैं पूरा का पूरा इंप्रेस करने की हर कोशिश की, हम लोगों ने इनके छोटे मोटे काम किए, बट उसके बाद क्या होता है ना इनके जो फैंस हैं वो एक जगह पर काम करना बंद कर गए थे, तो मैं और मार्क वहाँ पर गए एंड हम लोग जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो जॉम्बीज हैं वो एक फैन पे अटक चुका है, मतलब वो चल के राख हुआ है इस तरफ से, तो हम लोगों ने उस जॉम्बी को हटाया तो वहाँ पे करंट आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ ना गाइस, वहाँ पे ना जंगल था एंड जंगल के अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा क्रॉसबो फायर हुआ है जिसमें से एक एरो आके जो मार्क है उसके आर्म पर लगा पीछे कंधे पर एंड वो वहीं पर इंजर्ड हो गया। तो हम लोग जैसे तैसे करके आप मार्क को वापसी डेरी पर लेके आए एंड इन लोगों ने इसको थोड़ी बहुत हील वील दी, फिर इसका एक भाई था उसके साथ मैं गया मतलब जंगल के अंदर देखने के किन लोगों ने हम पे हमला किया, तो हमें वहाँ पे पता चला कि बैंडिट्स करके एक ग्रुप है जिसकी फाइट चलती है डेरी से, कॉज ये लोग सप्लाइज के पीछे लड़ते रहते हैं एंड हम लोग ने भी गए वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर जो इन डेरी का मतलब भाई था या इसका क्या नाम था एंडी नाम था शायद से, इससे जाके वहाँ पे एक और लड़की थी उसको मार दिया एंड कहा ये शायद से एक मैसेज हो सकता है उनके लिए कि डेरी पे हमला नहीं करना है। अब क्या प्लान है ना गाइस हमारा कि हम लोग को इस वक्त डेरी पे लोगों को इम्प्रेस करना है आप लोग समझ लो, या फिर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स गो यार, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग जंगल से वापसी आ चुके हैं सेंट जॉन्स डेरी के ऊपर इस एंडी के साथ। जो बात है यार, बहुत खतरनाक मोमेंट था। डैनी नाम है इसका, सॉरी एंडी दूसरे वाले का नाम है। ये मुझसे कह रहा है कि तुम्हें बदला लेना चाहिए था उससे जैसा उन लोगों ने मार्क के साथ किया, बट मैंने कुछ बोला नहीं था, इससे एक लड़की को मार दिया था एंड इनकी अम्मी को अभी थोड़ा बहुत सीन बताना पड़ेगा क्या हुआ है। टेरी, ये टेरी कौन है? अच्छा, इसके हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत बता रही है। यार ये कैनी का, यार ये लोग दोनों ना आपस में हमेशा ही लड़ते रहते हैं भाई साहब, इन दोनों को कोई काम धंधा नहीं है, मतलब आपस में ही लड़ते रहेंगे। खैर इनको छोड़ो एंड गाइस आप लोग को एक बात बताना भूल गया, मैं आप लोग को बताता हूँ अभी। हाँ टेंशन तो यार सब पे, तो मैं क्या बोलूँ, डोंट माइंड देम इट्स हाउ दे आर, जो बात है ये लोग हमेशा ऐसे ही हैं, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा भाई, इनकी फतरत कभी नहीं बदलेगी। हाँ ये भी हो सकता है। ओके Don't worry your head about them bandits.
I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time. भाई ये लोग काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे अभी तक भी मुझे इन पे ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कॉज इनकी अम्मी मुझसे यही कह रही है जितने भी फाइट वाइट तुमने देखी है वो तुम्हें देखनी नहीं चाहिए थी हम कभी भी अपने मेहमानों के साथ ऐसा नहीं चाहते बट ऐसा हुआ है बट क्या कर सकते हैं और कार्जा जो है ना गाइस वो इनकी एक काव को वो भी कर रही है मतलब उसकी केयर कर रही है जो बीमार थी तो अभी हम लोग शायद उसी को देखने जाएंगे ना आप लोग को एक बात नोटिस हो गई होगी गाइस अभी तक एंड वो री क्लेमेंटाइन ये देखो ये छोटी बच्ची जिसकी हम लोग जिसके पीछे हम लोग सिर्फ इसी वजह से अभी हम लोग इतनी उसमें प्रोटेक्शन में एंड अभी गाइस क्या सीन है ना कि आप लोग को ग्राफिक्स देख के अंदाज़ा हो रहा होगा तो ग्राफिक्स का सीन ये कि ये जो वॉकिंग डेड है ना मैंने इसका डेफिनेटिव एडिशन डाउनलोड किया है जिससे स्टोरी चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई बट ग्राफिक्स पूरी इनहेंस हो गई है यार गाइस ये जो डैनी है ना मुझे इस पे ना अभी तक पूरा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील आ रही है कि कोई भी इंसान ना इतने ख़राब मोमेंट में मतलब इतना ज़्यादा ख़तरनाक वायरस फैला हुआ है दुनिया में उसमें कोई भी इंसान ना आपके साथ इतना अच्छा नहीं होगा ये लोग को ज़्यादा ही अच्छे बनते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ मतलब इन्होंने अभी हमें डिनर पे तो इन्वाइट कर दिया हम लोग आ भी गए मैं भी इस बात के लिए पहले मान गया था मैंने इस बात को सोचा नहीं बट कोई नहीं लेट्स गो अभी हम लोग अंदर चलते हैं क्या कहते हैं इस बांध के अंदर चलिए या फिर आसपास थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं क्या है वो सामने तो यार इससे बात करके क्या ही करना है यार ये मतलब लैरी और उसकी बेटी दोनों लिली और लैरी दोनों का दिमाग ख़राब है अजीब बंदे यार ये लड़ने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं आता इनको कोई काम सोचता ही नहीं है लड़ने के अलावा बस मार कुटाई करा लो और बेहतरीन ये लैरी चौहान रखेगा चलो यार कोई नहीं नो हम लोगों को मिला तो कोई भी नहीं डैनी शॉट समवन ये बात बताते हैं शायद से बैंडिट्स हो सकते हैं गाइस वो भी बट अगर वो नहीं होंगे या होंगे भी तो उनके लिए वो एक मैसेज हो सकता है कि भाई कि डेरी से पंगा नहीं लेने का ये तो बिला वजह की बात हो रही है बिकॉज ये मतलब अभी कैसे समझाऊं यार आप लोगों में He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. Okay. So guys, अभी क्या सीन है ना कि ये जो लिली और कैनी लड़ रहे थे उस बात के पीछे का रीजन ये था कि कैनी जो है वो कह रहा है कि ये जो लोग हैं ये लोग सही नहीं है मतलब ये लोग हमसे कोई ना कोई चीज छुपा रहे हैं एंड वो थोड़ा बहुत सस्पिशियस हो रहा था जो कि मुझे भी ऐसा लग रहा है तो अभी मैं क्या करूँ उससे यही पूछ रहा था अबाउट योर डैड मैं सुना तो नहीं ओके मेरी इन लोगों से बातचीत कंप्लीट हो चुकी है एंड इन लोगों ने यार अपनी थोड़ी बहुत मतलब रीजंस बताए लाइफ के बारे में कि इनके साथ क्या मसले वगैरह थे जो कि सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है यार सबके साथ थी प्रॉब्लम्स अब क्या मैं सबके लेके तो नहीं चल सकता ना प्रॉब्लम्स तो एक काम करते हम लोग बांध के अंदर चलते हैं सिंपली ज़्यादा काम वाम नहीं करना जैसा हम लोगों को करने को मिला वैसे ही करते हैं लेट्स गो हम लोग अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर का क्या सीन है कॉज क्लेमेंटाइन से मिले हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है एंड अब पूरे के पूरे 5 महीने बाद दी वॉकिंग डेड का एपिसोड आया है ओ भाई ग्राफिक्स तो यार नेक्स्ट लेवल डैम भाई डैम ये देखो गाइस ये डक बैठा है ये कैनी का बेटा है एंड ये जो लड़की खड़ी ना गाइस ये क्लेमेंटाइन है अगर आप लोग जानना चाहते हो ना कि क्या स्टोरी चली है इस पूरी की पूरी सेंट जॉन्स डेरी क्लेमेंटाइन डक कार्जा कैनी तो आप लोग ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं जो वीडियो आ रही है यहाँ से द वॉकिंग डेड की स्टार्ट हुई थी एंड इसकी अभी तक 5th एपिसोड होगा सो आप लोग सारी की सारी जाके देख लेना आप लोग को समझ में आ ही जाएगा लेट्स गो अभी इसे कुछ देखा Salt lick. Yeah, but don't lick it. It's oh boy, बच्ची ने बात बोल दी भाई बात बोल दी यार नहीं सर ये दरअसल गाइस हमारे ना स्कूल से ही आदत पड़ी है हमें ये जब भी कोई बच्चा मतलब पॉइंट वॉइंट मारता है सब लड़के ओ भाई बात बोल दी बात बोल दी हाँ अभी इससे कोई सवाल वगैरह करूँ या ऐसे कटाऊँ यार छोड़ो यार ऐसे कटाते हैं ऐसे बट इससे एक दो सवाल मैंने फिर भी कर ही लिए लेट्स गो भाई खाना तो मिल ही जाएगा मुफ्ता तो हो ही जाएगा उसकी टेंशन नहीं है अभी गाइस मुझे ना क्लेमेंटाइन का जो कैप मिला था ना वहाँ से जंगल में एक कैंप के अंदर से जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बात है कॉज हमारे मोटेल से ना गाइस क्लेमेंटाइन जो बच्ची है ना इसका ये वाला छोटा कैप गायब हो गया था एंड ये कैप मिला मुझे बैंडिट्स के उससे मतलब बैंडिट्स का जो कैंप्स थे वहाँ से तो ये बात कहना बड़ी मतलब मुझे ना अभी तक ना बहुत सारी पहेलियाँ ऐसी बनती जा रही हैं गाइस गेम में जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है बट जैसे जैसे हमारा गेम आगे बढ़ेगा हमें समझ में आएगा एंड गाइस इस बात से मैं आप लोग पहली बता दूँ कि द वॉकिंग डेड की जो स्टोरी लाइन ना गाइस वो
अभी तक सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन आप लोग समझ लो ऐसी है, मतलब मैंने खेला नहीं है बट मैं पूरे रिव्यू से आप लोग को इसके अभी से बता सकता हूँ। गेम क्योंकि बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेट्स गो। बस सही है, अभी हम लोगों ने इसको बोल दिया है एंड इन लोग से भी हमारी बातचीत खत्म हो गई है। इसको क्लेमेंटाइन से अभी मैं क्या पूछूं यार, बस बस छोड़ो, अभी हम लोग यहाँ पे और चेक करते हैं। काटजा है, काटजा से बात नहीं कर सकता, इससे बात हो गई है। वहाँ आगे चल के देखता हूँ ये क्या जगह है, ये क्या चीज़ है भाई ये अंदर। अच्छा यहाँ पे शायद से काव को रखते हैं और बाकी कुछ खास वास है नहीं यहाँ पे। इसके अंदर क्या बचा है, आगे वाले को भी चेकआउट मारते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, खाली पड़े हैं सारे, बट इसमें थोड़े बहुत डब्बे हैं, मैं डब्बे खोल सकता हूँ। इसके डब्बे को खिसका के देखो इसके अंदर क्या है। एम्प्टी, खाली पड़ा है, मतलब कोई चीज़ है नहीं इसके अंदर काम की। लेट्स गो, मेरे मुताबिक इस डब्बे इस वाले उससे भी बाहर आ जाते हैं। और अभी ये क्या जगह है गाइस, ये वाले डोर को मैं खोल के देखता हूँ, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। हाँ कौन है, ओ कैनी, लेट्स गो। ओ भाई गाइस, अभी क्या सीन है ना, केनी बता रहा है कि इस वाली गेट के अंदर जो है ना ये लोग हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मतलब केनी ने इसके अंदर कोई मतलब ऐसे ब्लेड वगैरह ये सब चीजें देखी है। आई विल प्रोटेक्ट हर नो मैटर व्हाट, यही बात बोलते हैं। He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? गाइज अभी जो कैनी है ना वो बता रहा है कि जैसे ही ये लोग बांड के अंदर आए थे ना, ये एंडी ने इस जगह को परफेक्ट लॉक कर दिया था। और कैनी बता रहा है कि वो यहाँ से अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, और इससे अभी हमें बोला है कि तुम कुछ ढूंढ के लाओ जिससे हम लोग इसको खोल सकें। सही है, तो अभी मैं ना गाइज इसमें चेक करता हूँ कि इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, क्योंकि ताला अगर हम लोगों ने तोड़ा ना, अभी गाइस हम लोग को ना चेक करना है कि हम लोग इस लॉक को खोल कैसे सकते हैं। हाँ ओ भाई गाइस, ये एक अच्छा आइडिया है ली के पास। ली ने बोला है कि हम लोग ताले को तोड़ेंगे नहीं, हम लोग पूरी की पूरी असेंबलिंग को उतार लेते हैं एंड फिर हम लोग जब अंदर देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग असेंबलिंग को दोबारा फिट कर देंगे, तो उससे पता भी नहीं चलेगा उन्हें। तो अभी कैन यू हर्ड एन वॉइस या जस्ट चेकिंग आउट द, सही है। फार्म कैन बी अ डेंजरस प्लेस यू नो, द बैंडिट्स एंड ऑल, सॉरी अबाउट योर फ्रेंड। गाइस अभी ना मुझे यार थोड़ा बहुत और शक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि इस डोर के आसपास नहीं जाना, ये हो सकता है डेंजरस हो सके, या तो ये कोई मजाक कर रहा था। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगा, अब ना शक बढ़ता जा रहा है, मुझे ना कोई चीज़ ढूंढ के लानी है। जैसे कैनी ने मुझे बोला है कि कोई हैमर वगैरह या स्क्रू ड्राइवर ढूंढो, लेट्स गो यार, वो ढूंढना स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। ओके गाइस, अभी मैं बांध से बाहर आ चुका हूँ और अभी ना मुझे क्या करना है ना, मुझे ना कुछ ऐसा टूल टाइप स्क्रू ड्राइवर वगैरह ढूंढना है जिससे मैं असेंबलिंग उतार सकूं। एंड भाई ये देखो लैरी को, अजीब आदमी है भाई ये आदमी, वैसे इतना गुस्से में रहता है, अभी देखो फुल चिल विल मार रहा है। चलो अच्छी बात है, हमारा दिमाग तो नहीं खा रहा, इसको अभी यहीं छोड़ देते हैं। ये ब्रांडा से बातचीत कर रहा है, लेवी सोच रहा भाई कैसा आदमी है, इसको हटाओ। अभी गाइस मुझे क्या करना है ना, मुझे ना कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह अगर मिल जाएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए आई होप खुआरी होगी, तो लेट्स गो इसको खोलते हैं। एंड यहाँ पे ना काफ़ी सारे टूल्स पड़े थे वो आगे टेबल के पास, तो वहाँ चल के मैं चेक करता हूँ कि वहाँ का क्या हिसाब है, हो सकता है मुझे यहीं पर वो कोई टूल वूल मिल जाए। इस पर मैं चलता हूँ, हाँ इस पर टूल बॉक्स है गाइस, हो सकता है इसके अंदर हमें कोई टूल वूल मिल जाए। लेट्स गो इसको खोलते हैं। और ये इसके अंदर ये कटिंग प्लायर पड़ा है यार, ये क्या चीज़ है, मैं इसको उठा सकता हूँ क्या, ये क्या है ये। अच्छा ये एक मल्टी टूल है गाइस, ये जो मल्टी टूल है ना ये शायद से इसलिए होता है कि मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर कटिंग प्लास वगैरह सब कुछ होता है, तो मेरे मुताबिक इससे तो काम हो ही जाएगा। तो अभी मैं कैनी के पास चलता हूँ सबसे पहले, तो लेट्स सी वो क्या कहता है मुझसे। यहाँ से मैं अंदर एंटर करता हूँ एंड कैनी हमें सब कुछ बताएगा, मतलब उसी अभी हम लोग ऑर्डर्स पे चल रहे हैं। लेट्स गो बांड के अंदर एंटर मारते हैं हम लोग। ऑलराइट लेट्स गो, अभी मैं बांड के अंदर जा रहा हूँ और ये गेट खोल लिया है मैंने एंड अभी मैं बांड के अंदर एंटर हो चुका हूँ और अभी हम लोग अंदर चलते हैं। एंड हियर वी आर, हम लोग वापसी से बांड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग एंडी से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं पहले।
Hey there, Ernie. Yeah, इसको मैं क्या बोलूँ? Danny needs something again. Danny needs something again. All right. Be right back, Doc. Guys, अभी मैंने क्या किया ना, मैंने इसको यहाँ से बाहर भेज दिया है. अभी ये जैसे ही बाहर जाएगा ना, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं मतलब ये हाँ ये असेंबली को तोड़ लूँगा मैं जाके. मैं इसको ये बोल दिया मैंने डैनी के बाहर गया है, मैं यहाँ से जल्दी से असेंबली खोलने की कोशिश करता हूँ. आई होप यार के वापसी ना आए. लेट्स गो मैं इस जगह पे. बस लेट्स गो. फॉल्स अलार्म, आई एम बैक. अबे यार ये क्या आदमी है, वापसी अजीब आदमी यार, ये जाता है और वापसी आ जाता है. कैनी से थोड़ी बातचीत करूँ क्या यार? इसको मैं कैसे बाहर भेजूँ यार? मुझे ना बाहर जाके कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा. अभी मैं इसको वापसी कैसे भेजूँ? वाई डू यू कीप दैट? इसको छोड़ो यार, से बातचीत करना बेकार है. मतलब फालतू बिला वजह की लंबी बात हो रही है. गाइज अभी मुझे एक चीज़ पता चली कि मैं ना अभी यहाँ पे बाहर जो है ना, मतलब ये आइडिया मुझे कैनी ने दिया है कि यहाँ पे ये जो बाहर जनरेटर लगा है ना, मैं इस जनरेटर को अभी ऑफ करूँगा ताकि अंदर लाइट बंद हो एंड जाके वो जो एंडी बैठा है ना, एंड्रियो, वो बाहर आए. इसी तरीके से हम लोग को यार वो खोलने का मौका मिलेगा, वरना वो उसको पीछे वाले गेट को कभी भी ओपन नहीं कर पाएंगे भाई ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे वो आदमी वहाँ पे कब्जा करके बैठा है. इसको मैं पहले तो मल्टी टूल की मदद से इसको खोलता हूँ, उसकी पूरे के पूरे जनरेटर को. देन यहाँ से मैं कुछ ना कुछ अंदर जुगाड़ शायद से कर पाऊँ. मैं इसको अगर बंद कर दूँ, एक मिनट, मैं इसका ये ना निकाल लूँगा. इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा, सबर. मैं इसको ऑफ करके ना गाइस इसकी बेल्ट निकाल सकता हूँ शायद से. तो जब बेल्ट ही नहीं होगी तो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा बेल्ट. यार इसकी कैसे हो? ये मतलब कैसे निकलेगी बेल्ट? यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ. लेट्स गो, ये वाला बटन दबा दूँ. हाँ, इसको मैंने ऑफ कर दिया है. और मैं इसकी ना अभी बेल्ट उतार लेता हूँ उसकी मदद से. लेट्स गो. मोटर की बेल्ट उतार ली मैंने. अब इससे क्या होगा ना गाइस, बेल्ट अभी मैं बस सही है, मैंने अपने पास छुपा लिए और अभी शायद से वो बाहर आएगा. हाँ लेट्स गो, ये बाहर आ चुका है. भाई एक्टिंग तो लीने खराब डेंजरस भाई कर दी. चलो यार ये एक अच्छी चीज़ हो गई. अभी ऐसी चीज़ के अंदर लगेगा रहेगा, दिस विल टेक फॉरएवर जो बात है. अभी यहाँ पे इसको पूरा दिन ही लग जाएगा. हम लोग जब तक अंदर चलते ना, एंड अंदर चल के जो बात है हम लोग बाकी का काम वाम निपटाते हैं. जल्दी लेट्स गो, अंदर चलते हैं भाई. हम आ रहे हैं. डैनी यू शुड बी हेयर, वी विल राइड बैक. डैनी नी एंडी जिसका नाम मैं कन्फ्यूज़ हो गया था. लेट्स गो, अंदर चलते हैं एंड जाके यार वो खोलते हैं उसका लॉक जो है, पीछे का गेट खोलते हैं एंड देखते हैं क्या निकलता है उस गेट के अंदर से. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक्साइटेड तो नहीं कैसे समझाऊँ आप लोग को, बट हाँ, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई चीज़ ख़तरनाक हुई ना तो हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना हम लोग देखते हैं क्या सीन बनता है. अभी तो वाइस वाले गेट को खोलते हैं. एक मिनट, ये अलार्म किस चीज़ का है? अबे यार डिनर शाम के टाइम पे कौन डिनर करता है यार? यार उनकी अम्मी का इतनी जल्दी खाना भी बन गया. अभी तो मैं गेट खोलने वाला था ये वाला. यार ये क्या कैनी जा रहा है? ओके अभी क्या सीन है ना, कैनी शायद से क्लेमेंटाइन को भी ले जाएगा तो फिर मैं अब मुझे अकेले यहाँ पे गाइस इसको जल्दी से चेक करना है. अगर कोई अंदर वाइब मारने वारने वाला होगा, मॉन्स्टर तो चलो नहीं होगा, लेकिन अंदर देखते हैं क्या सीन है. इसको पहले इस वाले असेंबलिंग को उतारते हैं. यहाँ पे मैं टू इसकी मल्टी टूल की मदद से इसके सारे के सारे मैं लॉक्स खोल लेता हूँ. अभी क्या सीन है ना, जब मैं लॉक्स खोल लूँगा ना तो अगर अंदर कुछ हुआ सही है. तो अभी क्या है ना, मैं स्क्रूज खोल के पहले पूरा लॉक उतार लूँगा और अगर कुछ हुआ अंदर तो उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दूंगा. उस पर मतलब डैनी से वो एंड्रयू से बात बात करेंगे जो कि पता चलेगा. अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसको नॉर्मल दोबारा से असेंबल कर देंगे. लेट्स गो, इसको अभी इसके चारों के चारों नट खुल चुके हैं. ऑलराइट ये वाला गेट खुल रहा है और इसकी असेंबली खुल रही. ओ भाई अंदर कुछ तो अमेजिंग है जो लीक रिएक्शन बता रहा है. ओ भाई गाइस ये तो ऐसा टॉर्चर रूम बनाया हुआ है, क्योंकि ओ भाई से डरा दिया था. कौन है भाई? डिनर टाइम भाई, सही है. अब इससे मैं थोड़ा बहुत सवाल पूछता हूँ. व्हाट द हेल इज दिस? लुक वी हैव फूड हियर बट डैनी एंड आई स्टिल गॉट टू डू अ लॉट ऑफ हंटिंग टू कीप एवरीवन फेड. व्हेन वी कैच समथिंग इन द वुड्स वी स्किन इट एंड ड्रेस इट बैक देयर. मामा डजंट लाइक अस टू मेक अ मेस इन द हाउस, सो यू सी नथिंग टू वरी अबाउट. ओ भाई बंदे ने यार मतलब एक्सप्लेनेशन तो सही दी है. अभी यहाँ से चलते हैं. ये कह रहा है कि ये लोग जब हंटिंग करते हैं तो ये सारे जानवर वानवर अंदर ही बनाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो चेन सॉ वगैरह इन लोगों ने अंदर रखी हुई थी
ये तो बहुत खतरनाक टॉर्चर रूम लग रहा था, बट चलो कोई नहीं, हम लोग इनके घर में आ चुके। अब तो मुझे इनके घर पे आके अजीब सी वाइब आ रही है गाइस। हाँ यार, इसके पीछे गन भी लगाई हुई है इसने, और ये लोग सब लोग डिनर पे बैठ चुके। मुझे तो अभी तक सही से अजीब सी वाइब आ रही है। हाँ मार्क कहाँ है वैसे? हाँ अभी ये इसकी जो अम्मी ना ब्रांडा, वो कह रही है कि इन्होंने मार्क को ऑलरेडी फूड पहुंचा दिया है। सही है। अभी गाइस क्या सीन है ना, मैं ना अभी हाथ धोने के बहाने से बाहर निकला हूँ, और अभी ना मुझे हाथ धोने, तो अभी मुझे कोई जगह वगैरह चेक करते हैं। ये क्या चीज है, यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा तो लेट्स गो, अभी हम लोग यहाँ चलते हैं और उसके बाद इस वाले वॉशरूम के अंदर चलता हूँ। यहाँ पे वॉशरूम को छोड़ो, हम लोग ना ऊपर चलते हैं हाथ धोने, तो कौन ही आया था। हम लोग मार्क को चेक करते हैं कि मार्क एकदम अलाइव है या फिर नहीं। ऊपर वाले फ्लोर पे चल रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स सी भाई क्या देखने को मिलता है। बस मुझे भाई कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, ऐसा जंप स्केयर आया ना, डरा दिया भाई इन लोगों ने। ऊपर आ चुका हूँ मैं भाई साहब, डर लग रहा है वैसे तो। लेट्स गो, अभी मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे देखता हूँ अभी मुझे क्या देखने को मिलता है। कुछ खास मतलब यार, यहाँ पे तो कोई रूम वगैरह है नहीं। इस वाले रूम को खोल के देखूँ, ये वाला रूम खुलेगा, इसको मैं खोलता हूँ। तो इस रूम के अंदर क्या है, अंदर चलते हैं। यार ये रूम तो खाली पड़ा है, मतलब इस रूम के अंदर कुछ है वह नहीं। और ये क्या पड़ा है, इसको मैं देखता हूँ। ओ यार कमरे के अंदर खून क्यों पड़ा है, मार्क तो यहाँ पे है भी नहीं। यार क्या जगह है, मुझे इस जगह को अब इन्वेस्टिगेट करना होगा गाइस, बिकॉज अभी ना मुझे लोग पे शक बढ़ता जा रहा है। जैसा ही लोग का वो बैक रूम देखा था ना, जो टॉर्चर रूम था, उसके बाद टॉर्चर रूम के बाद ये सब चीज़ें। भाई साहब अभी इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये क्या जगह है। यहाँ तो नॉर्मल सप्लाईज वगैरह पड़ी हैं गाइस, और ये नीचे कुछ तार वार पड़ा है। ये तार क्या चीज़ है, इसको मैं एग्जामिन करके देखूँ। पावर का एक तार वार जा रहा है यहाँ पे। एक मिनट, ये पीछे से कोई रोशनी आई है ली के हाथ पर, एंड ये तार अंदर की तरफ कहीं जा रहा है। भाई ये लोग सही नहीं है गाइस। सेंट जॉन्स डेरी पे मैं कह रहा था गाइस, भरोसा नहीं करना चाहिए था हमें। यार यहाँ पे ना काफी सारे ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं, जो कि नॉर्मली ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल नहीं होती। यार मुझे ना इन डेरी वालों से फिर से ना लिटरली भरोसा उठता जा रहा है। मुझे ना एक बार चेक करना कि मार्क कहाँ पर है। अगर मुझे पता चला कि मार्क के साथ कोई गेम हुआ, यार मैं से लिटरली भागूंगा यहाँ से, या मैं इस गेट को खोल पाऊँ। तो इस कमरे के अंदर कुछ ना कुछ है। एक मिनट, इस कमरे इसको मैं अभी मुझे इसको एग्जामिन करने का ऑप्शन आया। लेट्स गो, अभी मैं इसको खोलता हूँ। अच्छा मैं इसको खिसका सकता हूँ बुक शेल्फ को, बिकॉज इसके नीचे से भी रोशनी आ रही है। एंड ये एक गेट निकला है ना गाइस यहाँ पे। अभी गाइस थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ी बहुत डेंजरस बातचीत हो रही है। इस वाले गेट को खोलूँ। लेट्स गो, गेट को खोलता हूँ। अभी क्या देखने को मिलेगा मुझे अंदर। ओ गाइस ये मार्क का इन लोगों ने क्या हाल किया भाई, इसकी दोनों टांगे काट दिए यार इन लोगों ने। भाई लोगों ने मार्क का बहुत बुरा हाल कर दिया। हाँ गाइस अभी क्या लग रहा है ना गाइस, वो जो टॉर्चर रूम था, ये क्या सीन है, इन लोगों ने जो डिनर बनाया ना गाइस, वो ना मार्क के लेग्स को काट कर बनाया। एंड लिटरली यार ये कोई सोचने वाली बात है भाई, वो लोग डिनर ना खा ले। मुझे जल्दी से अभी नीचे जाना होगा नीचे, और मुझे उनको डिनर खाने से रोकना होगा। अभी मैं जल्दी से चलता हूँ नीचे। भाई पूरा डर रहा होगा एकदम यार, अभी मुझे चीखना होगा। इसके पास गन भी रखी है, एंड क्लेमेंटाइन भाई ये खाने वाली है। डोंट ईट दैट, क्या बोलूँ, डोंट क्लेमेंटाइन। यार उसने खा भी लिया यार। यार अभी मैं लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूं, अभी मैंने क्या देखा है। यार ये लैरी को अभी भी लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, और कार्जा को ये बात समझ में आई है। Find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it.
भाई अभी तो बातचीत सही की इससे। यार ब्रैंडन ने सही बता दिया। He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, guys, अभी ब्रेंडा जो है ना वो एकदम सच सच बात बता रही है कि इसने मार के लेग्स काट के इसका सारा का सारा मील बनाया है। यार अभी मैं क्या करूं? मैं भाई ये लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं यार? Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. हाँ यार इन लोगों ने यार बहुत गलत किया मार के साथ। ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कॉज वो वैसे भी मर जाता। मैं कैनी को गन निकालने का बोलता हूँ। ओ भाई लोगों ने भी गन निकाल ली यार। अब ये लोग कैसे, इन लोग का शायद ना हमें भी मार के पकाने का प्लान हो यार। अजीब, अब सब लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे जो हमेशा से होता है। यार अब क्लेमेंटाइन होने लगी यार। ये तो एक छोटी, ओ यार इसको ना मैं इसको भाई मार दूंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अबे यार अब ये एंडी ने मेरे सर पे गन रख दी यार। क्या, एक मिनट गाइस, अभी कौन है भाई? ये क्या हुआ भाई? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर देते ये लोग एकदम से? भाई मार यार, मार विदाउट लेग भाई। अभी मैं क्या करूं? ओ यार इन लोगों ने मुझे मार के भी लिटा दिया। गाइस वॉकिंग डेड की स्टोरी एकदम नेक्स्ट लेवल होती जा रही है। एंड इन लोगों ने अभी हमें कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। गाइस अभी क्या सीन है ना, हम लोग ये जो डेयरी वालों पे भरोसा करके रखे थे, जब मार्क इंजर्ड हुआ था ना, तो इन लोग का प्लान था कि मार्क सरवाइव किसी भी तरीके से करेंगे कि नहीं। तो इन्होंने हमें बोला कि हमने मार्क को हील कर दिया, बट उन्होंने उसके बदले मार्क को ही काट के उसका फूड बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार बात थी। एंड इन सबको खिलाया भी, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं सब लोग उल्टियाँ कर रहे हैं। हमने आगे इन सबको ये बात बताने की कोशिश की, बट इतने में उन सबके पास गन भी नहीं। एंड उन्होंने हम सब पे कब्जा कर लिया। देखते यार अभी हम लोग को इन्होंने कहीं ना कहीं पे कैद कर दिया। हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर करेंगे। एंड आप लोग स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। हम लोग वॉकिंग डेड का न्यू एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, और आप लोग देख सकते हैं कि स्टोरी कितनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो अगर अब आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो जाके एक लाइक कर देना यार। बुरी लगे हो तो यार डिसलाइक भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। फ्री एकदम आप लोग मुझे कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स में जाके जरूर बताना यार कि क्या हमें वॉकिंग डेड को आगे कंटिन्यू करना चाहिए और इसकी स्टोरी लाइन कैसी लग रही है आपको। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी के सारी चीज़ों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर भी हमारा बहुत जल्द ऑनलाइन हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words.